हे गाइस, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी 2022। पेमेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे कि पेमेंट प्रॉब्लम जो आ रहा है कि आपके पैसे बैंक से कट जाते हैं और वहाँ पर लिखा आता है कि अभी ट्रांजेक्शन फेल है तो पे अगेन करो, और पेमेंट ऑप्शन में और भी काफ़ी सारे क्वेरीज हैं बच्चों की। एक हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि आपके पास अभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अंडरटेकिंग फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे, अंडरटेकिंग क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। टेक्निकल इश्यूज आते हैं कि हमें जो प्रोग्राम ज्वाइन करना है, सपोज मुझे एमएससी केमिस्ट्री ज्वाइन करना है तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है एमएससी केमिस्ट्री का, सो व्हाट वी डू। एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे क्योंकि 2-3 दिन में लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो जब लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाती है तब हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्या हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी आया है, सिर्फ उसका पीडीएफ हमारे पास, इन द सेंस कि उसकी एक इंटरनेट से कॉपी हमारे पास है, कोई पर्टिकुलर मार्कशीट्स नहीं है, तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट। तो ये सभी जो मैं डाउट्स मैंने आपके सामने, ये सभी जो बातें मैंने आपके सामने बताई है, ये सब मुझे कहाँ से पता चल रही हैं, ये मेरे कमेंट सेक्शन से मुझे आइडिया लगा। आप सब कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें लिखते हो कि मेरा प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे को यहाँ पे सीसीए सर्टिफिकेट क्या है ये नहीं समझ आ रहा है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, सिक्किम यूनिवर्सिटी का यूजी वीडियो, मतलब ये सभी जो आप कमेंट करते हो, ये पेमेंट का कमेंट है, ठीक है। तो जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स होते हैं तो उन सब के लिए, अब मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े थे, ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है कि मैम फॉर्म फिलअप कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर लिए, लेकिन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सो ये सब इश्यूज जो हैं इन सब के रिगार्डिंग ही मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ। सो अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट आई दिस वीडियो, मैं एक थैंक्स करना चाहूँगी उन सभी स्टूडेंट्स का, वो सभी बच्चे जो दूसरे बच्चों की हेल्प करते हैं, लाइक वो बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है। बहुत सारे बच्चे अपना यहाँ पे अपना पॉइंट रखते हैं कि हाँ, जैसे इसमें लिखा था कि IGNTU का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया, तो उन्होंने लिखा हाँ अमरकंटक का हो गया है। तो मतलब ये थैंक्स इनको मैं कहना चाहूँगी जो दूसरों की हेल्प करते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि BHU का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया क्या, नहीं, अभी इन्होंने लिखा यस कि हाँ हो गया। अब ये चीज़ कन्फर्मेशन मैं प्रोवाइड करा दूंगी, है ना, कि हुआ है नहीं हुआ। तो स्पेशली थैंक्स इन सभी स्टूडेंट्स का जो काफ़ी बच्चों की हेल्प करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो सही हेल्प करे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि किसी को मिसगाइड करके कोई फायदा नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो जैसे इस बच्चे ने लिख रखे हैं, पर चेंज यूअर नेम, अपना आप नेम चेंज कर सकते हैं, ऐसे। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आती हूँ, लेट्स स्टार्ट। सो सीयूटी पीजी में सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैं क्रिएट देखती हूँ वो है पेमेंट का। देखो पेमेंट का जो प्रॉब्लम आता है उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो टेक्निकल इशू का होता है। आजकल तो हर एक चीज़ ऑनलाइन पेमेंट होती है, लाइक मैं खुद भी ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। समटाइम हमसे भी क्या होता है कि हमारी तरफ से पैसा कट जाता है, डन हो जाता है, पर सामने वाली पार्टी जिसको पैसा एक्सेप्ट करना होता है उस तक नहीं जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम किससे कॉन्टेक्ट करते हैं, मैं हमेशा अपने बैंक से कॉन्टेक्ट करती हूँ, और वो मुझे कन्फर्मेशन देता है कि हाँ आपकी तरफ से पैसा कट गया है, सामने वाली पार्टी को अगर नहीं मिला है तो आपका जो पैसा है वो विद इन अ 5 to 6 डे, या कई बार इससे ज़्यादा भी लग जाता है, मिनिमम वैसे 5 से 6 दिन में आपका जो पैसा होता है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर 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 आपके पास से डन होता है ना, तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है और उस रिसिप्ट पे लिखा होता है कि भाई हमने इस पर्टिकुलर एक्सेप्टर को अपने पैसे दिए हैं, जिसको हमने दिए हैं। तो अब अगर उनके पास ही नहीं पहुंचे हैं, बीच में टेक्निकल इशू हो गया था, कुछ भी बग आ गया था, तो उसकी वजह से उनको नहीं मिले ना, तो वो बैंक वापस आपके रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ये तो बात हो गई हमारी रिफ्लेक्ट बैक की, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि जैसे अभी सिक्किम यूनिवर्सिटी का, तो देखो बच्चा आप ना लास्ट डेट जो होती है, मैं आपको क्लियरली ये बात बताती हूँ, जो पेमेंट वाला सीन होता है ना, लास्ट के जैसे लास्ट डेट जब आपकी मान लो 20 अक्टूबर है, तो पेमेंट वाला सीन आप अपना 17 या 18 अक्टूबर को करना, पहले मत करो। सबसे पहले आप क्या करो, एक अपना डेमो रजिस्ट्रेशन कराया करो। डेमो से क्या होता है कि मतलब एक आपने अपना सीयूटी वाला डाल दिया सारा करेक्टर, वो तो आपका डाल ही सकते हो आप सीयूटी वाला, कोई और घर का नंबर, कोई और ईमेल आईडी डाल के एक डेमो एप्लीकेशन, एक डेमो रजिस्ट्रेशन कराओ। क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर डेमो रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप एक बार पूरा फॉर्म देख लेते हो कि कहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, और जो ऑप्शन आपको नहीं समझ आया तो मेरी इंस्टा आईडी है क्या मलिया मीटिंग, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप मेरे को भेज दो। काफ़ी बच्चे भेजते हैं कि मैम मैंने ऐसे ऐसे करके देखा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया,
और मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो मुझे आप प्लीज़ गाइड करें कि यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, इससे बेहतर है, क्योंकि गलती को सुधारा नहीं जा सकता फिर। अगर आप एक बार यहाँ पे गलत फॉर्म फिल कर दोगे तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। रिसेंटली ये इंसिडेंट मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ। उसने मुझे सुबह मैसेज किया होगा कि मैम ऐसे ऐसे करके मुझे फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, एंड मैं हमेशा याद रखिएगा जनरली मैं मैसेज का रिप्लाई रात को करूँगी आफ्टर 10:30। तो 10:30 के बाद जब मैंने उसका मैसेज देखा तो मैंने कहा इसमें ये वाला करेक्शन कर, तो उसने कहा मैंने तो पेमेंट भी कर दिया, तो यानी कि ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसे मत करो। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, अपनी क्वेरी रख रहे हो, तो थोड़ा इंतज़ार भी करो, थोड़ा वेट करो कि हाँ मैम का रिप्लाई आएगा। तो मैंने पेमेंट इशू में आपको यही दो बातें रेकमेंड कर रही हूँ मैं आपको। सबसे पहली बात तो कि आप पहले ना एक डेमो रजिस्ट्रेशन करा लो, मतलब एक भर के देख लो। एक होता है ना, जैसे हम भी बहुत बार ऐसा करते हैं, इवन मैं आज आपको एक शो भी करके दिखाऊंगी, ठीक है, एक मैं शो करके भी दिखाऊंगी कि मैं भी डेमो रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। फिर मुझे ये आइडिया लग जाता है कि मेरे फॉर्म में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है और कितना पेमेंट मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो कैंसिल करके ना, वो आईडी को लॉग आउट करके फिर अपना ओरिजिनल जो आपको रियलिटी में फॉर्म फिल करना है वो वाला फॉर्म फिल करो। और अगर आपका ऐसा कुछ हो जाता है कि आपके पैसे कट हो जाते हैं, सामने वाले को नहीं मिलते हैं, तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करो, 5 से 6 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि वहाँ पर आपको देखो आपका एडमिशन की बात है, ये आपके एडमिशन की बात है, तो आपको दोबारा से पेमेंट करना चाहिए। मेक श्योर कि पेमेंट ऐसे टाइम पर करो जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सामने कोई भी आपका ये जो साइबर कैफे वाले होते हैं उनसे जाकर आप करा सकते हो। तो पेमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको दो पॉइंट आपके क्लियर कर दिए होंगे। आई होप आपको इन दोनों पॉइंट से कुछ तो हेल्प मिली होगी कि लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। अगर इशू आता है तो नो डाउट आप वहाँ पर जो भी, मान लो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में करो, मान लो आप हरियाणा में करो, आपको इशू आ रहा है तो उनको कॉल करो। हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना दे रखा है, नई कॉल उठा रही किसी और नंबर से करो, ईमेल आईडी करो आप उनका नॉर्मल। ऐसा नहीं है बच्चे कि हाँ, मानती हूँ मैं कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज नहीं उठाती हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है वो उठाती हैं, एक टाइम आता है आपको कंटिन्यूसली हर 2 घंटे बाद कॉल करना बनता है, क्योंकि वो आपका एडमिशन है, उनका नहीं है ना। यहाँ पर ऐसा ही होता है, स्टूडेंट को ही सब कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा बच्चे, आपका एडमिशन रुक सकता है। सेकेंड था डॉक्यूमेंट्स का कि हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का है। तो मैं ये बातें बता दूं, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, अब कानून चेंज हो गया, रूल्स चेंज हो गए, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास आउट होना चाहिए, ना कि आपकी स्टेट से। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अलाउड कर रही है तो वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास नहीं है ना, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई और नाम था, किसी डॉक्यूमेंट में कोई और नाम था, तो बच्चा ऐसे सिचुएशन में अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अंडरटेकिंग लगा दो। व्हाट इज़ द अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंग क्या होता है कि आपके पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज ने तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे रखा है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करी है, अब मेरे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ एक लेटर लिख दूंगी। मतलब लेटर से भी काम चल जाता है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने फॉर्मेट नहीं दे रखा है तो एक लेटर लिखिए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को और बताइए कि ऐसे ऐसे करके मैं अपने कॉलेज से मैंने ऐसे ऐसे किया, बट अभी मेरे को कम से कम 40 डेज लग जाएंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आने में, आप अपना मिनिमम टाइम बता दो, बट जैसे ही 40 डेज कवर होते हैं 40 दिन के बाद मैं अपनी इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो सर्टिफिकेट है उसे सबमिट करा दूंगी। लाइक मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी आप बनवाना दे सकते हो, बट ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको बनाने के लिए दे दो। उसके बाद जैसे ही आता है तो वहाँ पर जब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा वहाँ पर जाकर वो सर्टिफिकेट सबमिट करा देना। एक बात और बतानी थी कि जब ये अंडरटेकिंग, जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर उसमें फॉर्मेट है कि यहाँ पर आप लगाना है, अदरवाइज बर्थ सर्टिफिकेट में क्या करो, इसकी फ़ोटो क्लिक करके लगा दो। ये जो अंडरटेकिंग होता है ना, इसी की फॉर्मेट क्लिक करके लगा दो। अब मैं ना थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, अगर अंडरटेकिंग के फॉर्मेट हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, मुझे ऐसे याद भी नहीं है वैसे किस यूनिवर्सिटी का अंडरटेकिंग है, ये तो कुछ और ही हो गया, सर्वर एरर आ गया। चलो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। गुजरात देख लेते हैं, किसी ने तो अंडरटेकिंग दे ही रखा होगा ना। अभी देखो फी स्ट्रक्चर की आप बात कहते हो ना, यहाँ पे सब मेंशन है। एक डॉक्यूमेंट्स वाला था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा था।
इसमें तो नहीं है, पंजाब का देख लेते हैं। देखो पंजाब में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन्होंने लिख रखा है 9 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑन द वर्किंग डे। अब आज तो संडे, आज तो ये कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे ना, आज तो ये कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे, संडे को कॉल रिसीव नहीं करेंगे ये। कल आप मंडे या कल सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में कर लेना, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अदरवाइज ईमेल आईडी तो आज ही डाल दो, ईमेल आईडी तो आज ही डाल देना, ईमेल मतलब ईमेल तो आज ही कर देना, ठीक है। तो ये 1 मिनट, जैसे मान लो आपके पास ओपन भी नहीं होती है ना ये चीजें, देखो यहाँ पे भी दे रखा है इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर और ये सब। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किस यूनिवर्सिटी का देखा था, और उन्होंने अंडरटेकिंग भी दे रखा था। यूजी प्रोग्राम के लिए ना, पीजी प्रोग्राम के लिए अभी यहाँ पे पीजी प्रोग्राम के लिए स्टार्टअप नहीं हुआ। कल एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का क्या प्रॉब्लम, मतलब वहां पर आ रहा है कि वहां पे पीजी का अभी नहीं आ रहा है शायद, है ना। इसको व्यू ऑल कर लेते हैं, देख लेते हैं, फ्लैश न्यूज़ हमें देखनी है, अक्टूबर सितंबर की देख लेते हैं पहले। तो पीजी के लिए सिर्फ इन्होंने ही एडमिशन का नोटिस रिलीज़ किया था 4 अक्टूबर, इसको क्लिक कर देते हैं। तो बस अभी इसके अलावा तो और कुछ भी मेंशन ही नहीं है, नहीं ये मेंशन कर रखा है ड्यू टू द टेक्निकल, ये 3:10 को आता है, कहते ड्यू टू द टेक्निकल रीजन द कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द पीजी इज अ पोस्टपोन। कर्नाटका का तो पोस्टपोन हो गया, टेक्निकल इशू। देखो टेक्निकल इशू कहीं पे भी आ सकता है ना। ये 4 अक्टूबर को है जर्नल नोटिस, यही है 4 अक्टूबर, अच्छा अगले दिन डाला है। तो अभी ठीक है भाई, कर्नाटका का नहीं निकला, ठीक है ना, कर्नाटका का नहीं निकला है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, लास्ट डेट 11 अक्टूबर, एक्सटेंड भी करे जा रहे हैं सबके सब, एक्सटेंड भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनका अंडरटेकिंग अगर मुझे मिल जाए ना, दिस इज द पीजी एडमिशंस, इनका अंडरटेकिंग मिल जाए, सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये देखो हाँ फाइनली मुझे एक अंडरटेकिंग फॉर्मेट मिल गया, क्योंकि मैं आपको यही शो करना चाहती थी। तो देखो ये अंडरटेकिंग फॉर्मेट होता है, इसमें क्या करना होता है, हमें इसे थोड़ा और जूम कर लें। मान लीजिए कि आपके पास, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, देखो ये तो केरला ने दे रखा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने दे रखा है, जिसने नहीं दे रखा ना फिर भी आप ऐसा ही बाहर निकलवा लो। बाहर निकलवाने का मतलब होता है कि आप इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट में भी जाकर एडिट कर सकते हो, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट में ले जाओ इसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके बाद लिखो कि ये मेरा सी, यहाँ पे केरला कट कर देना बट, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर अपना सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो लिख दूंगी बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट, मेरे पास फाइनल ईयर की अभी डिटेल मार्कशीट नहीं आई तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है वो भी डाल दिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट डाल दिया, अपना सीयूटी का रोल नंबर डाल दिया, और उसके बाद सिग्नेचर करके इसको, पर ये मुझे प्रिंट ही निकलवाना पड़ेगा, हाँ ये प्रिंट निकलवाना पड़ेगा ना, आपको अपने साइन करने पड़ेंगे, डिजिटल साइन होती नहीं है आपसे, ठीक है। उसके बाद लिखा है आई अंडरटेक द सबमिट अ स्कैन कॉपी ऑफ द रेवेलेंट सर्टिफिकेट टू द कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बिफोर माई डेट ऑफ द एडमिशन, कि मैं उसे अप्लाई मतलब सबमिट करा देंगे, हम उसको क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो अंडरटेकिंग इसी तरह से होता है, अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके पास पर्टिकुलर अभी सर्टिफिकेट नहीं है, विद इन अ कुछ पर्टिकुलर डेट पर आपको वो क्या कराने होते हैं, सबमिट कराने होते हैं। तो उस जगह पे क्या करें, जो सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, अंडरटेकिंग डाल दो, अंडरटेकिंग वहाँ पर डाल सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेरी रह रही है यहाँ पर अभी भी, वेयर अप्लाई, वेयर अप्लाई, कि हम अप्लाई कहाँ पर करें, हमारे ये वाले मार्क्स हैं, इतने हमारे मार्क्स हैं, इतने मार्क्स पर हम कहाँ पर अप्लाई करें, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, सबका फीस ज़्यादा है, तो कहाँ पर अप्लाई करें। तो अगर देखा जाए तो इस बात को समझना पड़ेगा हमें, मार्क्स अप्लाई करने वाली बात को, आप अपने मार्क्स को देख लीजिए, और मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि टॉपर के मार्क्स को देख लीजिए,
अपने मार्क्स, टॉपर के मार्क्स, ठीक है, उसके बाद सीट देख लो, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वहाँ का सीट चेकआउट कर लो। आपके अगर जो भी नियर पड़ती है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके नियर पड़ती है, यानी डिस्टेंस फैक्टर है, उसको आप देख लीजिए। अगर पास है तो अप्लाई करो, दूर है तो रहने दो। अब कोई नॉर्थ ईस्ट का बच्चा है, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लिए क्यों ही अप्लाई करेगा, है ना? इतना तो डिस्टेंस हो जाएगा उसका, तो इससे बेहतर है कि वो नॉर्थ ईस्ट वाली कोई कोई अप्लाई कर दे, ठीक है? टॉपर अपने मार्क्स देखिए, टॉपर के मार्क्स देखिए, सीट देखिए, डिस्टेंस देखिए, और उसके बाद आपको फाइनलाइज में क्या देखना है कि क्या यहाँ पर अगर मैं फाइनल अपना सोचता हूँ, मतलब लास्ट ईयर की अगर आपको कट ऑफ मिलती है तो ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री की तो मैंने प्रोवाइड कर ही रखी है, सभी सब्जेक्ट्स की तो अवेलेबल नहीं थी, बट आई विल ट्राई कि इस बार सभी सब्जेक्ट्स की अवेलेबल कराऊँ। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। सपोज किसी के 150 मार्क्स है जर्नल कैटेगरी में, किसके अंदर, एमएससी केमिस्ट्री के अंदर। अब मैं इसमें क्या देखूंगी, मैंने देखा कि मेरे पास हाईएस्ट कितने मार्क्स है, 292, टॉपर के नियर अबाउट 300 नंबर है और आपके उसका 50% है। उसके बाद मैं देखूंगी मुझे अप्लाई करना है एचयू के अंदर, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है कि एचयू में अप्लाई करूँ या फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में अप्लाई करूँ, मतलब मेरे को ये लग रहा है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर अप्लाई करें, या आपका मतलब किस में अप्लाई करें, इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा इसके। तो मैं कैसे देखूंगी, मैंने देखा कि अच्छा टॉपर के 292 है, मेरे 150 हैं। अब एचयू तो नहीं मिलेगा क्योंकि एचयू तो टॉपर्स को ही मिलता है, ऊपर रैंक चाहिए इसके लिए, तो ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री है, सीट्स कितनी है, सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगी, बीएचयू में कवर हो जाएंगी, तो यहाँ पर आते आते कम हो जाएंगी। तो 150 नंबर अगर जर्नल किया, पंजाब और हरियाणा के भी चांसेस बहुत कम है, ठीक है, इनके यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा क्योंकि ये टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरा एडमिशन हो सकता है साउथ बिहार या गुजरात में, ऐसे आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख लो, मिल जाती है यूट्यूब से या गूगल से। अपना डिस्टेंस देखो, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ सपोज, तो मैं हरियाणा से हूँ तो मैं ऑब्वियसली हरियाणा का फिल कर दूंगी, मैं फिल कर दूंगी, वैसे भी लड़कियों का तो फ्री है तो मैं तो फिल कर दूंगी। पंजाब में मैं ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि हरियाणा ज़्यादा होती है, पंजाब कम होती है, तो मैंने पंजाब का भी अप्लाई कर दिया और इनका अप्लाई किया। मैं एचयू का करूंगी नहीं, जो मेरे को पता है कि ये टॉप किया, तो मैं इसमें कैसे अप्लाई करूँ, मेरे तो मार्क्स ही नहीं है ना इतने। सेकेंड आता है टेक्निकल इशू। बच्चे जितने भी टेक्निकल इशू आप फेस कर रहे हो कि मैम हम प्रोग्राम नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एक ऐसे एमएससी केमिस्ट्री लिख रखा है और एक ऐसे करके एमएससी केमिस्ट्री लिख रखा है, तो मुझे कौन सा अप्लाई करना है, ये सब टेक्निकल इशू के लिए आप उनको हेल्प कर सकते हो। अदरवाइज क्या करो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, आप मोबाइल से मत एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, अपना रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है तो आप डेस्कटॉप या फिर जो आपका क्या बोलते हैं इसे लैपटॉप से आप इसे फिल करो, किसी भी बाहर जाके किसी पीसी वाले से फिल करवा दो, पर मोबाइल में मत करो। सबसे ज़्यादा टेक्निकल इशू मोबाइल में आ रहा है, आधा पेज ओपन हो रहा है, आधी चीज़ें आप भरोगे तो एडमिशन आपका ही रुकेगा। बेहतर ये है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप या पीसी में अप्लाई करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहीं पर स्टॉप कर दो और लॉग आउट कर दो। गलत मत फिल करना, जहाँ पर भी आपको लगता है कि मेरे से फॉर्म फिल नहीं हो रहा, मेरे को प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं हो रहा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और लॉग आउट कर दो। आईडी वहाँ पे होती है लॉग आउट करने के लिए, जब आप एक बार लॉग आउट करोगे तो फिर दोबारा से आप लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है, वो तो वापस से लॉगिन भी हो ही जाता है, ठीक है। तो ये बात है टेक्निकल इशू की, फिर कॉन्टैक्ट करो टेक्निकल टीम को, ठीक है, या फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करो कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी टेक्निकल इशू में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आपको यही कहूँगी कि आप कॉल करो और वो एक दो घंटे में या एक दो दिन में दोबारा से उसे ठीक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। अब एडमिशन की बात आती है, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर एडमिशन की लिस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट एडमिशन की लिस्ट आ जाएगी, जिससे हमें भी आइडिया लग जाएगा कि इस बार कितने कितने कट ऑफ जा रही है, ठीक है। तो एडमिशन का तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगी कि जब अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एडमिशन के लिए हमें अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर तो नहीं थे शायद उसमें पैसे, वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसका मैं एक डेमो खुद ही लेकर दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो एडमिशन की तो टेंशन मत लो, एडमिशन का सारा प्रोसीजर मैं आपको अलियम केमिस्ट्री चैनल पर प्रोवाइड करके रखूंगी, तो सब्सक्राइब तो करके ही रखना। उसके बाद आता है मेरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी आया नहीं, या अगर आया है तो मान लो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया ही नहीं, अभी आपका थर्ड सेमेस्टर या फिर ज्यादा से ज्यादा फोर्थ सेमेस्टर या फिर सिर्फ अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है, और वो कहता है कि वहां पर आप पास हैं, क्योंकि दो ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे भी पता है वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, पास या अपीयर का, तो आप अपीयर सेलेक्ट कर दो, और टिल जहां तक आपका रिजल्ट आया है
वहाँ तक की मार्कशीट अपलोड कर दो, वहाँ तक का सीजीपी अपलोड कर दो, वहीं तक का सब डाटा कर दो। बट अगर आप पास हो तो पास में होने का मतलब है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि हमारे पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं होता है, डीएमसी जिसे हम कहते हैं, डिटेल मार्कशीट नहीं होती है, हमारे पास इंटरनेट से एक कॉपी होती है। तो इंटरनेट से अगर वो कॉपी है उसी को क्लिक करके वही लगा दो कि हाँ हम पास हैं, पर्टिकुलर वही लगा दो, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ना एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, मैं देख रही थी काफ़ी बच्चों ने कल पूछ रखा था कि डाउनलोड नहीं, डॉक्यूमेंट सपोर्ट में क्या डालना है। डॉक्यूमेंट सपोर्ट का मतलब है कि आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट डालना है कि जिसके अंदर आपसे हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई आपने ग्रेजुएशन में आप पास हो इतने मार्क्स में। तो बेसिकली अभी मैं उसमें क्या डालूंगी, मैं तो मार्कशीट ही डाल सकती हूँ ना, मैं तो अपनी मार्कशीट ही डाल सकती हूँ, तो मार्कशीट डाल दीजिए। ठीक है, मार्कशीट आप उसमें डाल दीजिएंगे। तो ये सब बातें थी, ये सब कमेंट्स थे, आपके डाउट्स थे, जहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कमेंट रहते हैं बच्चों के। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है, मैम प्लीज़ डू इट, मैडम प्लीज़ डू इट, डिटेल कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस ऑन द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन पे मत करो ना प्लीज़, मैं आपको बता रही हूँ। मैम मेरा 43% है, MBA के लिए अप्लाई करूँ। बच्चे MBA का टोटल 100% है, आपके 43% है, तो आपको लो रैंक यूनिवर्सिटी मिलेगी ना, सीधा लो रैंक यूनिवर्सिटी मिलेगी। अब जैसे इसने लिखा है कि फ़ी कितनी है, तो आप एक डेमो एडमिशन करके देख लो ना, ललिता शर्मा, इसमें डेमो अप्लाई करके देख लो, डेमो अप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, इस देयर MSc केमिस्ट्री इन ऑल यूनिवर्सिटी मेंशन इन योर वीडियो। हाँ, ऑलमोस्ट मेरी जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें सभी में MSc केमिस्ट्री है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा को छोड़कर शायद, आई थिंक सो दैट ओडिशा में नहीं है, बाकी तो हर जगह पर जो मैंने डाल रखी है उन सभी में है। ठीक है, तो मतलब यही है कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मैं अपना चैनल एक बार ओपन भी कर देती हूँ, लाइक अभी मुझे एक डेमो भी दिखाना है इसमें। सपोज़ ये मेरा चैनल है अलियम केमिस्ट्री चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपको ना इसकी प्लेलिस्ट भी दिखाती हूँ। यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी मुझे CUET के नाम से, ये वाली, इसको मैं क्लिक करती हूँ। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी वीडियोज हैं, CUSET एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, CUSET 2021, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एडमिशन कैसे रजिस्टर करना है कि बिना कट ऑफ के, हाउ टू फिल द CUSET रजिस्ट्रेशन, विन एट वर्क बाय कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर हर चीज़ बताई जाएगी। पहली लिस्ट आ गई तो अभी वेट करें दूसरी लिस्ट का, एडमिशन के रिगार्डिंग तो हर एक बात करी जाएगी यहाँ पे। उसके बाद एक बच्चे का मुझे स्पेशली काफ़ी दिन से आ रहा है कि मैम जो GGU है इसके अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो वेल, मैं इसमें देखती हूँ कि क्या इशू आ रहा है। मैंने इसे एडमिशन क्लिक किया, अभी तो बहुत ज्यादा सर्वर खराब हो गया इसका, हुआ नहीं क्या अपन ये GGU का रजिस्ट्रेशन, शायद यही पूछ रहा था एक बच्चा कि कैसे करना है। अब देखो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब PG के लिए कहाँ पर लिख रखा है, GGU में PG के लिए, सात दस, ये परसों ही आया मतलब, है ना। अब देखो इन्होंने कहा कि आज 9 तारीख होगी है, ये तो UG का कैलेंडर है, ये PG का कैलेंडर है। भाई इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 से 20 है, चेंज कर दिया इन्होंने, अभी तो निकला ही नहीं है, फॉर्म कैसे फिल करूँ मैं फिर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही इनका PG एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फिर पहली लिस्ट इसकी 1/11, ये तो लेट हो गया। देखो भाई ये GGU का लेट हो गया, दोबारा से चेक कर लेना इसको, GGU का इन्होंने चेंज कर दिया। 7 अक्टूबर को नया नोटिस आता है जिसके अंदर इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई 15 तारीख से होगी, तो 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन का मैं वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, सो आई थिंक सो दैट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं भी आपकी हेल्प कर पाऊंगी और आप अपडेट भी रहोगे। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, आप ना डेली मेरी
चैनल को विजिट कर लो, क्योंकि मैंने हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैसी है, वहाँ पे कितने मार्क्स वाला अप्लाई करेगा, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से कोर्सेज है, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेरे चैनल पर आपको अपडेट मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जैसे कि BBAU। अब BBAU की बात मैं करती हूँ तो इन्होंने अपना एडमिशन स्टार्ट कर दिया है 2022-2023 यानी PG प्रोग्राम के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कमांड विद द BHA अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कास्ट, कास्ट नहीं है क्या लिख रखे हैं, शेड्यूल एंट्रेंस टेस्ट। तो भाई ये BBU का अप्लाई हो गया तो 2021 का निकल गया मेरे से, ये वाला सॉरी साइट ही गलत खोल दी मैंने। यहाँ पर देखो इनका स्टार्ट हो गया, 6 से स्टार्ट हो गया था इनका, 6 तारीख से BBU का स्टार्ट हो गया, अप्लाई कर देना BBU वाले। अब देख लेते हैं एक मणिपुर का, तो अपना खुद भी देख लो ना जो यूनिवर्सिटी आप उसमें जाओ, अपना सीधा यहाँ पे देखो कि उनका मणिपुर यूनिवर्सिटी आ गई मेरी, ये तो मणिपाल आ गया ना, मणिपुर लिखना था मुझे। तो इंदिरा इरा, सो देखो यहाँ पे एडमिशन 22-23 आ रहा है, बस सीधा क्लिक करो, है ना, यहां से PG का आ रहा है तो बस स्टार्ट कर दो फिर अपना PG के लिए। और थी एक और मुझे याद आ रही थी, BBU होगी, अभी काफी सारे बच्चे मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिख देते हैं ना, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख देते हैं, तो वहां से भी हमें आइडिया लग जाता है, कमेंट सेक्शन से भी आइडिया लग जाता है कि किसका फॉर्म निकल गया है। तो बच्चे आप थोड़ा खुद भी जो भी आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसको रेगुलर चेक करते रहो, जो भी आपके नियर अबाउट है, और जो भी आपकी क्वेरीज है मैं आपको बार बार यही रेकमेंड करूंगी कि आप मेरे को पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी इंस्टा आई डी है, इस पर फॉलो कर लेना, और इतने सेल्फिश मत बनो कि टीचर से हेल्प लेकर उसको अनफॉलो कर दो, है ना, अच्छा वेरी बैड थिंग स्टूडेंट्स, ये चीज़ हम भी अगर सेल्फिश करें तो क्या होगा, ठीक है। फॉलो करने के बाद मैसेज करते हो और जहाँ आपका रिप्लाई मिल गया आपका काम हुआ, यू जस्ट अनफॉलो द आईडी, सेल्फिश मत बनो इतना, ऐसे ही आप चैनल को भी बाद में अनसब्सक्राइब करोगे, ठीक है। चलो वेल मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अपना काम करना है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रही हूँ कि ताकि आपकी कोई भी दिक्कत ना आए मैं आपको एडमिशन में पूरी हेल्प करूँ। 7497879033 दैट्स माई कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मैसेज करना है, कॉल नहीं कभी करनी है, मैसेज करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री चैनल फॉर मोर अपडेट्स, थैंक्स।